नमस्कार, आप जुड़ गए पुकार न्यूज के साथ। मैं हूं मीनू शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के खास समाचार पर। आज पुकार न्यूज ने NYC के प्रेसिडेंट आसिफ अली से बातचीत की, जिन्होंने आज डोडा NYC एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग की। उनकी इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो रहबरे खेल, रहबरे जंगलात और रहबरे NYCs हैं, उनके मुद्दों को हल किया जाए। उन्होंने पुकार न्यूज के माध्यम से गवर्नमेंट से ये अपील की है कि उनके भविष्य के बारे में सोचा जाए, ताकि वे अपने बच्चों व परिवार के बारे में कुछ सोच सकें। 2010 से लेकर वे देश के लिए काम कर रहे हैं, परंतु अभी तक उनके लिए कोई परमानेंट या रेगुलर पॉलिसी नहीं बनाई गई है। और भी बहुत कुछ खास बातचीत उन्होंने आज सबके सामने की, जानने के लिए देखते हैं डोडा से हमारे संवाददाता विजय शर्मा की ये रिपोर्ट। पहले स्वागत है आपका पुकार में। आपका नाम? मेरा नाम आसिफ अली भट्ट है, मैं NYC का प्रेजिडेंट हूँ और आज हम यहाँ डोडा में आए हैं अपने NYC से मिलने के लिए। यहाँ मीटिंग का हमारा मेन मकसद है कि जो हमारा पैटर्न के लिए मसला चल रहा है, आप देखिए 2020 में वो कमेटी बनी थी हमारी, जिसका आज तक डिसीज़न नहीं लिया गया है। आज हमारा यहाँ आने का मेन मकसद है अपने NYC से, एक हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, जो हम आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं मीटिंग्स की और गवर्नमेंट तक अपना मैसेज पहुँचाने की, कि आपने जो कमेटी बनाई है जिसमें यूथ के साथ नाइंसाफ़ी आपको लगी, आपने तभी वो कमेटी को फ्रेम किया था, जिसमें NYCs हैं, रहबरे ज़रात हैं, रहबरे खेल हैं, उसी को नज़र रखते हुए अगर कमेटी बनाई गई। आज एक साल हो गया है, उसका फैसला नहीं आया है। हमने अपनी डिमांड को एक डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट के सामने रखा है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उस कमेटी की रिपोर्ट फाइल की जाए और हमारा मसला, जो यूथ का मसला है, जिसने रैबरे खेल है, रैबरे जंगलात हैं, रैबरे NYCs हैं, इन सब का मसला है, क्योंकि ये सब नौजवान हैं, बहुत कम सैलरी पे डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे हैं। आप देखिए अभी DDC की इलेक्शंस में हमारे साथियों ने हर जगह काम किया, इस इलेक्शंस को भी कामयाब बनाया, उसमें NYC का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। हम हर जगह काम किया भी है, हम बार बार कहते हैं हर काम करने के लिए तैयार हैं, मगर गवर्नमेंट को चाहिए NYC के बारे में सोचना, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना, ताकि वो अपनी फैमिलीज़ के बारे में भी सोच पाएँ, उन अपनी फैमिलीज़ को भी कुछ सर्व कर पाएँ, क्योंकि वही अपनी फैमिली के ब्रेड अर्नर हैं। आप बताएं, अगर हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा तो हम किस तरीके से अपनी फैमिलीज़ के लिए काम कर पाएंगे, अपने नेशन के लिए काम कर पाएंगे। इसीलिए हमने हमेशा अपील की है, हमें जो एश्योरेंस दी गई है हम उस पर यकीन रखते हैं। हमने लॉकडाउन में, कोरोना के टाइम पे हर जगह कॉपरेट किया है। हम अब आपके चैनल से बताना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारी जो कंडीशन है वो बुरी हो चुकी है, हमारे साथियों की कंडीशन बुरी हो चुकी है, क्योंकि इतनी कम अमाउंट में अपना घर चलाना बहुत मुश्किल है। हमने आपका साथ दिया है, आपको गवर्नमेंट को कॉपरेट किया है लॉकडाउन में, इस कोरोना के टाइम में, मगर अब हम नहीं कर सकते। हम यही अपील करना चाहेंगे कि जल्द ही से जल्द हमारे बारे में फैसला लिया जाए, जिसमें हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। जो हमारी मेन डिमांड है, NYC का पैटर्न चेंज किया जाए और सैलरी इन्हेंस की जाए। अगर चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी हमेशा बोला है कि ये कैटेगरीज हैं जिनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, जैसे रैबरे ज़रात, रैबरे खेल, तो वो पॉलिसी किसने देनी है? वो पॉलिसी आपने देनी है, LG साहब ने देनी है। हमेशा हमें एश्योर किया जाता है, हम उस पर यकीन रखते हैं, मगर हम आप ये कहना चाहते हैं कि इस प्रोसेस को थोड़ा तेज़ किया जाए, जल्दी से जल्दी हमारे फेवर में डिसीज़न लिया जाए। जी सर, आपका नाम? सजाद अहमद मीर। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो आज आपने यहाँ पे मीटिंग की, किसके रिलेटेड आपने ये? सर, मैं सजाद अहमद मीर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आल जम्मू कश्मीर पंचायत काउंसिल डोडा। यहाँ पे NYCs की एक मीटिंग थी, जिसपे इनके यहाँ स्टेट के प्रेसिडेंट भी आए हुए थे। तो यहाँ पे जो भी हमने इनके ख्याल सुने, चाहे स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने बताया, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी साहब ने, या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, या बाकी साथियों ने, तो ये एक जमहूरी तरीके से गवर्नमेंट से जो है अपना हक मांगते हैं। 2010 में से इनकी सिलेक्शन प्रोसेस जो शुरू हुई, वहाँ से आज तक ये लोग डिपार्टमेंटों में काम करते चले आ रहे हैं, लेकिन इनकी सैलरी बहुत कम है, जिनसे इनके घर का खर्चा नहीं चल रहा है। और गवर्नमेंट ने अभी तक कोई एक ऐसी वाजिया पॉलिसी भी नहीं बनाई है कि जिस पॉलिसी के तहत इन लोगों को परमानेंट किया जाए और डिपार्टमेंटों में मर्ज किया जाए। हालांकि अगर काम के सिलसिले में इन
साथियों का हम देखें तो ये हर डिपार्टमेंट में एक परमानेंट मुलाजिम से ज़्यादा काम कर रहे हैं। चाहे कोरोना का दौर हो तो इन लोगों ने बराबर का साथ डिपार्टमेंट को दिया। किसी भी दौर में हर मुश्किल में ये लोग जो हैं डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी सैलरी बहुत कलील है और इनका जो है एक जायज़ मांग है। जायज़ तरीके से एक जमहूरी तरीके से गवर्नमेंट से अपना हक मांगते हैं, तो हम भी LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी जायज़ जो मांगे हैं इनके वाजिया पॉलिसी तैयार की जाए और एक पॉलिसी के तहत इनको जिन जिन डिपार्टमेंटों में ये काम कर रहे हैं उन डिपार्टमेंटों में ही मर्ज करके इनको परमानेंट किया जाए ताकि इनके घर भी आराम से चल सकें। और साथ में हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से इन लोगों का भरपूर साथ देंगे और इनकी एसोसिएशन का चाहे पूरी स्टेट में हमारे मुझे अपने कायद से भी बात हुई जो हमारे रियासती चेयरमैन हैं इस एसोसिएशन के, उनसे भी बात हुई मेरी और उन्होंने भी ये यकीन दहानी दी है कि हम हर जगह इन का साथ देंगे और इनकी जदोजहद में बराबर का शरीक रहेंगे। और ये आश्वासन भी देते हैं कि जब भी हमें कभी भी मौका मिला LG साहब से बात करने का या किसी भी वक्ती हुक्मरान से बात करने का तो इनके मुद्दे जो हैं वहाँ पर हम ज़रूर उठाएंगे और जो भी मेमोरेंडम हमारी एसोसिएशन का बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट्स या दूसरे कामों के बारे में जाएगा उसमें इनका मुद्दा भी ज़रूर शामिल होगा। शुक्रिया।